हाँ जी, तो यार सुबह की फ़्लाइट है, ये रहा मेरा बैग वगैरह। मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे हकाता में हूँ, मेरा एक यहाँ पे फ्रेंड रहता है, उसके यहाँ पे नाइट में रुकूँगा, फिर सुबह मेरी फ़्लाइट है। और यार एक बात बताऊँ, जैसे कि जा तो रहा हूँ मैं मतलब कि इंडिया अपने घर, बट थोड़ी सी वो फीलिंग अच्छी वाली नहीं आ रही है। दो तीन दिन से पहले तो बड़ी खुश थी, बट वो आ नहीं रही है। तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों नहीं आ रही, भाई घर जा रहे हैं तो हैप्पीनेस होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो जहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा लगा ना, एक्चुअली मेरे अभी जॉब जहाँ पर मैं करता हूँ वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो गया था। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही मेरे साथ जो कि मैं ऑफिस में हो रही हूँ, वो कभी मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल इंडिया वाला ब्लॉग देखो, मजे लो यार, कोई नहीं है, सब तो चलता रहता है। तो चलते हैं, दोस्त आ रहा है, उसको मिलते हैं, आज उसी ग्रुप पर रहूँगा, बाकी सुबह फ्लाइट पकड़ते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई साहब? सुबह सुबह के 5 बज रहे हैं। अपने रूम, अपने जहाँ पे रुका था ब्रदर के रूम पे, वहाँ से निकल आया मैं। और एक्चुअली जो फ़्लाइट मेरी वो 8:55 में ओवरटेक करेगी, लेकिन उसमें क्या है कि बोल रहे हैं भाई साहब, कितनी बार अनाउंस कर दिया कि 3 घंटे 3.5 घंटे पहले हर हाल में वहाँ पर पहुँचना है, और आपके जो मतलब कि विंडो काउंटर होते हैं ना, कहते हैं 1 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। तब मुझे यहाँ से निकलना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि टैक्सी कर लूँ कि स्टेशन से जाऊँ, बट अभी स्टेशन यार ये अंडरग्राउंड वाले स्टेशन है तो ये अभी बंद है। अब ये देखता हूँ कितने बजे खुलता है, शायद 5:45 में है शायद पहली ट्रेन यहाँ से, यहाँ से हकाता, हकाता से कोको नज़दीक है, वैसे ज़्यादा दूर है नहीं है, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये जो फुकुओका एयरपोर्ट है ना, ये बढ़िया यार, एक्चुअली इसमें जो ट्रेन आती है ना वो इसके एयरपोर्ट के अंदर तक ही आती है, तो ज़्यादा कहीं पे जाना नहीं पड़ता, आराम से आओ और मतलब एयरपोर्ट के अंदर इंटर कर जाओ। देखो ये सामने, ये फर्स्ट फ्लोर में मतलब ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, और ऊपर ये सेकंड फ्लोर में एयरपोर्ट है। ये ऊपर एयरपोर्ट है, ये सारा JR रेलवे स्टेशन है, ये चिखते जो बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड वाली होती है। अरे यार, मेरे फ्लाइट ना टर्मिनल 2 से है, और मैं इधर हर जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे लिखा दिख ही नहीं रहा मुझे टर्मिनल 2 किधर है। पहले नीचे देख रहा था, नीचे नहीं था, ऊपर आ गया, ऊपर भी नहीं है, दोबारा नीचे जाके पूछना पड़ेगा भाई किसी से। तो ये रही भाई साहब अपनी फ्लाइट, ये जाएगी हनोई 9:15 में। भाई बोल रहे थे यार बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, देख रहे हो भाई साहब कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये वियतनाम JT सिर्फ यहाँ से जाती है ना इंटरनेशनल, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हाय नमस्ते। अरे पता है यार, मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली, मेरी जो चेक इन काउंटर था वो था यहाँ पे पीछे, और मैं यहाँ पे एक्चुअली लग गया था, फिर मुझे आधे घंटे से मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पीछे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और जो रियल मेरा काउंटर था जहाँ से मेरी चेक इन होती नहीं थी, वो में भीड़ ही नहीं थी, जब मैं आया था वहाँ पे था भी नहीं कोई, और यहाँ पे आया था यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे मैं आधे घंटे से खड़ा हूँ। अचानक से मेरे माइंड में आता है कि यार कुछ मिस्टेक हो रहा क्या, तो मुझे लगा क्या मिस्टेक हो रहा, तो मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी वो डिस्प्ले की, उसको मैंने देखा, फिर उसमें मैंने देखा वो, बाय गॉड, मैं क्या, मैं तो गलत रास्ते में खड़ा हूँ यार, गलत काउंटर में खड़ा हूँ। फिर मैं फटाक से उसे एक बार कन्फर्म किया, पूछा, फिर जब उसने बताया, फिर मैं दूसरे काउंटर में गया। हालांकि वहाँ तो 25 मिनट लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा चेक इन में। और पता है एक चीज़, इन्होंने ये ट्रांजिट के भाई साहब एक मुझे ये दिया है, कहते हैं इसको अपने उसमें लगा ले, टी शर्ट में, बैग में तो लगाते ही हैं। मैं कहे भाई कौन सी फैसिलिटी है ये, इससे क्या होगा, बंदा तो ट्रांजिट करेगा ही, तो दिया। और ये मेरा बोर्डिंग पास है, तो चलते हैं। यार ये सामान सामान के तो चेक इन हो गया बगैर, और अपनी चेक इन करने के लिए यार यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, और लगेगा तगड़ा टाइम यहाँ पे। इसका टाइम था 9:15 का, और ये 10 बज चुके हैं यहाँ पे, मतलब कि लग ही जाता है, इतना टाइम लगा लेते हैं टेक और टेक ऑफ करने में, तो चलने लगी है, तो लगेगा अभी तो 10 मिनट शायद यहीं पे रन में थे दौड़ते दौड़ते।
वियतनाम पहुँच कर फिर बताता हूँ, दिखाता हूँ वहाँ की, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ वियतनाम की दिखाने के लिए। और मैं रात भर पूरा सोया नहीं, तो मेरी आंखें हो रही लाल लाल से बहुत ज्यादा। यार ये पूरा कॉम्बो है, और मेरे पास एक थी जैपनीज करेंसी थी और कुछ वियतनामी डोंग थे, तो मैंने उससे पूछा कितने का है, तो मैंने उसको समथिंग 1 लाख के करीब था मेरे वियतनामी डोंग, तो वो कहती है दिस इज़ नॉट इनफ। तो फिर मैंने सोचा यार कि अब कैसे करूँ, तो फिर उसने बोला कि कार्ड से पे कर सकते हो, तो फिर मैंने कार्ड से पे किया। ये है अमेरिकन डॉलर में US $14.5 का है ये पूरा कॉम्बो सेटअप। और ये देखो ये भैया विराट कोहली वाला पानी, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हमेशा बोलते हैं ना विराट कोहली इतना महंगा पानी पीता है, तो हम भी विराट कोहली से कम नहीं भाई। देखो विराट कोहली वाला पानी, और ये आज नहीं कई बार पी चुका हूँ, टेस्टी होता है सच में, ये मतलब पीने में मज़ा आता है। यहाँ पे धूप लग रही है यार, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। पहले ये खा ले तो भाई, पिघल रही है बहुत जल्दी। थैंक यू। हाँ जी, तो इधर भी हो गई सब कुछ, अब बस फ्लाइट में बैठना है, इंडिया में लैंड करना है सीधे, तो चलते हैं। हाँ जी, तो यार 4-5 घंटे के वेट करने के बाद फ्लाइट लग चुकी है और मैं फ्लाइट के अंदर हूँ। एंड इसमें यार टाइम तो इसका 6:45 का है, बट ये टेक ऑफ करते करते इसको 7 के ऊपर ही जाएगी, सर 7:30 भी जा सकती है। तो टेक ऑफ करते हैं, पहुंचते हैं इंडिया में, लैंड करते हैं। और कोई ऑफिस भी है? बाय। हाँ जी, तो यार लैंड कर गए भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यार मैं, और मेन अभी मेरा सफ़र इधर का बाकी, यहाँ से दिल्ली से पंजाब जाना है, खुद की कार है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बाकी चलते हैं, पहुँच जाएंगे तो सब थकावट दूर हो जाएगी जब फैमिली से मिलेंगे, और अभी इमिग्रेशन पेंडिंग है, इमिग्रेशन क्लियर करके निकलते हैं फिर। दारू बहुत बिक रही है यार यहाँ पे, देखो एक से एक ब्रांडेड। तो भाई साहब महंगी बहुत होंगी, एयरपोर्ट का आइटम है, वर्क इन प्रोग्रेस, सामान कहाँ मिलेगा हमारा, लगेज कहाँ मिलेगा भाई। आ गया आ गया आ गया अपना भी। हेलो
कर।